लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। राजपत्रित अधिकारी महासंघ ने प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता बरतने का संकल्प दोहराया है। आज मिनी मंत्रालय कोंकण भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने राज्य के प्रगति के लिए सक्षम और सक्रिय 10 सूत्रों कार्यक्रम को अपनाने और बढ़ाने पर जोर दिया। आज मिनी मंत्रालय कोंकण भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने राज्य के प्रगति के लिए सक्षम और सक्रिय 10 सूत्रीय कार्यक्रमों को अपनाने और बढ़ाने पर जोर दिया। इस अवसर पर संस्थापक MD कुलथे अध्यक्ष विनोद देसाई, महासचिव विनायक लहाने समेत तमाम उच्च अधिकारी मौजूद थे। देखे रिपोर्ट। सरकारी विभागों में लोकाभिमुख, गतिमान और पारदर्शी कामकाजों को प्रोत्साहन देने के लिए आज महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकार महासंघ ने बेलापुर में संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया, जहां अधिकारियों ने राज्य की प्रगति के लिए सक्षम और सक्रिय 10 सूत्र कार्यक्रम को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। इस अवसर पर अध्यक्ष विनोद देसाई, महासचिव विनायक लहाने समेत तमाम उच्च अधिकारी मौजूद थे। राजपत्रित अधिकारी महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि प्रशासनिक विभागों की कार्य संस्कृति को लोकाभिमुख और गतिमान बनाए बिना राज्य की प्रगति नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि उत्तम और उत्कृष्ट सेवाएं देने के लिए नियमबद्ध और सत्य आचरण करना एवं सहकार्य और अभाग्यता के सौजन्यपूर्ण व्यवहार रखना जरूरी है। आइए सुनाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। महासंघ की जो रचना है उसमें राज्य भर के 70 से अधिक विभाग की संगठनाओं का ये फेडरेशन है। इनका जो भी सब संगठनाओं के तहत जो भी अधिकारी है, ये सबकी जो भी समस्या है वो समस्याओं का निराकरण करना, समस्या वो सेवा की हो सकती है, समस्या उनके बारे में उनके जो उनके कामकाज में कोई दखल अंदाजी ज़्यादा करता है तो उसमें महासंघ का रोल आता है। जो काम आगे चल रहा है उसमें सेवा के बारे में और जो भी वेतन निश्चिति के बारे में जो भी समस्या है उसके बारे में महासंघ आज की तारीख में आगे चल रहा है। महासंघ की ओर से राज्य शासन को हम अपील कर रहे हैं कि जितने भी वैकेंसीज है राज्य शासन में, वो अपने MPC हो या किसी स्टैट्यूटरी बॉडी हो, उसके तहत राज्य की जनता में अपने जो युवक है, बेरोजगार जो युवक है, जो सुशिक्षित अपने जो पड़े हुए रोजगार युवक है, उनको ही ये रोजगार दिया जाए। उनके तहत ही जितने उनकी गुणवत्ता को छानबीन के अपने ये रिक्त जगह भरे जल्दी से जल्दी भरने की हम उनसे विनंती कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।